हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो हम पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं इसका क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और कैसे हमारी लाइफ में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इट्स नॉट मीनिंग दैट कि हम लोग बस आना जाना गुड्स का चीज़ों का यहाँ से वहाँ मूवमेंट, बट इस मूवमेंट को हम कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं इसको भी हम देखते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में जब भी किसी चीज को बनाना होता है तो किसी चीज को बनाने का एक प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें साइट पे जाना है, सर्वे करना है, सर्वे में कौन कौन सी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, ये सब कि हम साइट पे जाएंगे तो क्या क्या चीजें हमें देखनी है, कैसे हमें सर्वे करना है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, आपको हमेशा पता है कि रेलवे कभी भी हम ऐसा नहीं बना सकते कि अगर हमें रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसा कोई स्लोपी या फिर ऐसा अनड्यूलेटेड सरफेस हमें चाहिए ही नहीं है, ऐसा चाहिए ही नहीं होता है, हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए है। तो जब हम फ्लैट सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि अब हमारी धरती तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से वहां तक चली जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमें वैली मिल गया तो हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, फिर और आगे गए तो हमें पहाड़ मिल गया तो यहाँ हम टनल्स बना देते हैं। तो हमें यही समझना है कि कहाँ पर कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ ब्रिज बनाना अच्छा होगा कि या हम कोई और अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं। फर्दर हमें इतना ज्यादा हम मूवमेंट करें पूरा का पूरा पहाड़ को घूम करके ऊपर जाएं, कई सारी ट्रेन में हम देखते हैं कि पहाड़ पूरा घूम करके जाते हैं। अच्छा, ये सब समझना आपका, जब सर्वे करते हैं तो सर्वे में हम लोग, ये तो हमने रेलवे का बताया, ऐसी ब्रिज में भी जब हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है तो सर्वे में कौन कौन सी चीजें देखनी है ना, हम वो मेन सी लेवल से हमारा जो हाइट है ये कितना ऊपर रखना चाहिए, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अभी तक की जो रेनफॉल है, अभी तक जो रेनफॉल हुई है वो उससे बाढ़ आने के चांसेस है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ब्रिज बनाया, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ उसका इनॉग्रेशन भी नहीं होता और पता चलता है कि ब्रिज टूट गया। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग हमें करनी चाहिए, ये आपको यहीं पढ़ने मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेस्टिंग मेथड्स का हमें यूज करना चाहिए और कब कौन सी टेस्टिंग मेथड का हम यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन अलग अलग गेजेस अलग अलग रेल पे मूव करती है, तो हम रेल गेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मटेरियल हमें यहाँ पे यूज करना है रेल कंस्ट्रक्शन के लिए और कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्सपांशन गैप कहाँ कहाँ और कब कब रखना है, कि कितने डिस्टेंस पे हमें एक्सपांशन गैप छोड़ना है। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे रेलवेज में समझेंगे कि आपका एक हॉलिंग इफेक्ट आता है। हॉलिंग इफेक्ट दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी ग्रेडियंट पे, हो सकता है वो डाउनवर्ड जा रहा हो सकता है वो अपवर्ड जा रहा हो, तो इस ग्रेडियंट पे जब आपका व्हीकल मूव करता है, ट्रेन मूव करता है, तो हॉलिंग इफेक्ट इज अ इफेक्ट और इज अ कैपेसिटी, मैकेनिकल कैपेसिटी ऑफ योर इंजन टू ट्रेवल आउट इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, हो सकता है टॉप में जाने के लिए या बॉटम में जाने के लिए जितना भी उसका एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चल रहा है हमने काफी ज्यादा हाई लेवल पे, हम जब यहाँ पे कर्व दे रहे थे माउंटेन में तो हमने काफी ज्यादा स्लोप दे दिया, अब ट्रेन चढ़ ही नहीं रहा, बैक पुल हो रहा है, ऐसा होता है देखा है कहीं? तो ऐसा करना ही नहीं है, मतलब खुद सोचो अगर ऐसा हुआ कि ट्रेन पीछे आ रहा है तो ट्रेन तो गया, आप भी गए, सब गए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको हम यही समझेंगे है ना। इसके साथ साथ हम कर्व के बारे में भी समझेंगे कि कर्व का ये जो हमारा, जब हम कर्व देते हैं तो इसके इफेक्ट को कैसे हम, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व आप लोग आगे पीछे कैसे देते हैं। और अगर हम फर्दर बात करें तो आपके रेलवेज में काफी कुछ हमें जानने को मिलेगा, फोकस हमारा रेलवे पर रहेगा, रोडवे और आपका एयरवे वाटरवे इसको हम इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस लर्निंग में। नेक्स्टली हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके ब्रिजेस को, कि ब्रिजेस का अलाइनमेंट कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। ब्रिज बनाते टाइम सर्वे जब हम करने जाएंगे तो सर्वे जो शीट रहती है, यहाँ पूरा हम समझेंगे सर्वे शीट का, तो सर्वे जो शीट रहती है उसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करना है और कौन कौन सी चीजों को हमें नोट आउट करके देखना है। इसके साथ साथ हम अगर कह रहे हैं कि हमारा ब्रिज 50 साल तक चलेगा तो
तो 50 साल के लिए ट्रैफिक कैलकुलेशन कैसे करोगे, पी कार्स कैसे निकालोगे, क्योंकि होता रहता है अगर आपका ट्रैफिक है तो इन द फ्यूचर वो बढ़ता जाएगा। पॉपुलेशन देखो कितना बढ़ रहा है, हर आपका देखते जाओ हर साल आपका दर बाई दर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, आपके जो ब्रिज के फेलियर्स हो जाते हैं उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप आगे जब हम देखेंगे तो फाउंडेशंस भी देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, वो बाहर निकल के आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टनल्स के बारे में हम देखेंगे। टनल्स में जनरली हम लोग देखेंगे कि आपके जो टनल्स रहते हैं उनकी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसे हम एक इफेक्टिव डिस्टेंस जो इकोनॉमिकल हो, कम से कम हो, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो सर्वे तो सब जगह देखने वाले हैं, इसके साथ साथ पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है और कैसे हम इसका कंस्ट्रक्शन आगे करेंगे। तो फील्ड का नॉलेज हम यहीं पे ले लेंगे। थ्योरेटिकली मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगी कि आपको खुद यहीं से हम लोग चलेंगे फील्ड पे, मतलब यहाँ आप बैठे बैठे ही फील्ड का पूरा सर्वे और पूरा नॉलेज लेके आएंगे। और अगर ये नहीं आप अभी सीखोगे तो बाद में कोई समझाएगा नहीं, नहीं समझाएगा तो फिर वही होगा, हम आधे अधूरे इंजीनियर बन जाएंगे और फेलियर्स आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेंगे। और ये फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज इट यू आर गोइंग टू रिस्क द नंबर ऑफ पर्सन दैट आर सर्विंग दीज थिंग्स। सो मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ सारी चीजें आपको नॉलेजेबल यहाँ से सीखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।